गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल और आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटी कैपिटल में। मैं हूँ पूजा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो फिर ठीक है, हम अपने वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारा टॉपिक है, वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है फेशियल। यस, फेशियल। फेशियल हम कैसे कर सकते हैं अपने फेस पे, उसकी कुछ टिप एंड ट्रिक्स जो मैंने अपने वीडियो में बताए हैं, आप देखिए और फिर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो फिर ठीक है, वीडियो में आगे चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या है। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो पे कमेंट, लाइक, शेयर सब करिएगा, भर भर के करिएगा। तो फिर ठीक है, वीडियो में आगे चलते हैं और आप देखिए कि किस तरीके से मैंने फेशियल किया है। करेंगे फेशियल और फेशियल करेंगे हम कुछ इस इन प्रोडक्ट्स से। ये कोई चार प्रोडक्ट्स हैं और ये आपको 60 रुपीज में पड़ जाएंगे, मतलब आपका जो फेशियल है वो 60 रुपये में हो जाएगा। एंड क्यों हम फेशियल में इतना पैसा बर्बाद करें, मतलब जो हम घर पे कर सकते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, बस आप उसको करोगे अपने फेस पे तो आपको रिजल्ट पार्लर वाला ही मिलेगा। एंड ये मैंने, मतलब मेरे पास पड़ा था इसलिए, नहीं तो इसका तो 12 या 15 रुपए का छोटा पैकेट आता है, आप वो यूज़ करना। ये तो रखा था तो मैंने मंगाया नहीं। तो फिर ठीक है, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहले हमको ना वेट थोड़ा सा ताल लेना होगा और आप कोशिश करो कि गर्म पानी, हल्का सा गुनगुना पानी का तौलिया लें और फेस पे ना इस तरीके से वेट कर लें उसे, ठीक है, अच्छे से उसको वेट करें। आपको पहले अपने फेस, मतलब क्लिंजिंग करते हैं, तो क्लिंजिंग यूज करने से अच्छा आप सीधा फेस वॉश करो और फेस वॉश करके उसके बाद हल्का सा इस तरीके से अपने फेस को वेट करके, एंड देन पहला जो हमारा स्टेप होता है वो होता है क्लिंजिंग का। तो क्लिंजिंग की जगह हम लोग क्या करेंगे, फेस वॉश करेंगे। उसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होगा वो होगा स्क्रबिंग। तो हम करेंगे स्क्रब, थोड़ा सा पानी लगा के। और मैंने अपने चैनल पर स्क्रब का वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि कैसे स्क्रब करना है अपने फेस पे। स्क्रब ऑलवेज हमें जेंटल हाथों से करना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो हमारी स्किन छिल सकती है। और स्क्रब के जो पॉइंट्स होते हैं वो ये पॉइंट्स होते हैं, आप ये पॉइंट्स करिए, उसके बाद ये वाला पॉइंट्स, ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ हमारे ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वाइट हेड, ब्लैक हेड्स जो हमें दिखते नहीं, बट आप बहुत क्लोज मिरर लाएंगे और देखेंगे तो आपको ज़रूर दिखेगा। ये एरिया होता है, ये हमने इसको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और आप फेशियल वैसे रात को ही करें तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरे यहाँ बहुत, मेरा जो घर है वो रोड साइड पे ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आपको। मोस्टली मेरी वीडियोस में अच्छा खासा शोर, किस टाइम शूट करे आदमी कुछ इस तरीके से हल्के हाथों से, आपको लग रहा है मैं प्रेशर दे रही पर ऐसा कुछ नहीं, और बहुत लाइट हाथों से इस तरीके से हमें मसाज करना है। और एरिया हमें ज़्यादा, यहाँ डेड स्किन होती है, यहाँ अपने लिप्स को भी, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके, ये एरिया पे सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, ये एरिया और ये एरिया सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं। तो आपको इसको बहुत ही अच्छे से क्लीन करना है, ठीक है, इस तरीके से आप मसाज करिए 10 से 15 मिनट। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, प्रोसेस होगा वो होगा मसाज। हाँ, थर्ड इसलिए, पहले हमने क्लिंजिंग की है, उसके बाद हमने स्क्रब किया है। क्लिंजिंग आपको कैसे करनी है मैंने बता दिया, आप क्लिंजिंग मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो, बट मेरा ज़्यादा एडवाइस है कि आप फेस वॉश करके एंड देन जाके आप स्क्रब करें। और ये मैंने ले लिया है मसाज वाली क्रीम, आप जॉय की है ये, और अच्छा खासा अमाउंट लिया है अपने फेस पे। एंड इसको मैं इस तरीके से, नहीं आ रहा है, ठीक है, आप इसको इस तरीके से लीजिए एंड
फिर से मसाज करी। मसाज बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब आप पता है आप फेस पैक लगा लो ये वो जो भी, बट अगर आप अपने फेस को मसाज करते हो ना उसका रिजल्ट ही अलग होता है। फेस थोड़ा सा ना पफीनेस आ जाती, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगता है, ऐसे जो स्किन लटक जाती है अजीब सी हो जाती है ना, ड्राई एंड अजीब सी ही लगती है, मतलब थोड़ा सा ना फेस का भी मतलब एक नया जीवन मिल जाता है उसको भी, थोड़ा सा आप उस पर मसाज कर दें तो इस तरीके से मसाज इस तरीके से करना है आपको, ठीक है, अपने अंडर आई एरिया पे। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा फेस का एंड फेस पे काफ़ी ग्लो आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये स्टेप है, इस तरीके से ये स्टेप है राउंड, ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं मसाज। और अपने नेक एरिया को, अपने जो नेक एरियाज को बिल्कुल मत भूलिएगा, उसको भी मसाज में कवर करिएगा इस तरीके से। ठीक है, ऐसे फिर ये एरिया इस तरीके से आप अपने हाथ को इस तरीके से फोल्ड करके उंगलियों को और इस तरीके से मसाज करिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से मसाज करना अपने फेस। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आप फेशियल में करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से बच्चा फोरहेड को भी हमें अच्छे से इस तरीके से सर्कुलर मोशन में यहाँ से स्टार्ट करिए, इस तरीके से हमारा मसाज है वो कंप्लीट हो चुका है और हम फेस को करेंगे अब वॉश, ठीक है। तो मैं फेस वॉश करके मिलती हूँ आपसे। जो हमारा जो नेक्स्ट अब इसके बाद स्टेप है वो ये है पील ऑफ मास्क। यस, हमें पील ऑफ मास्क लगाना है एवरी यूथ का, तो हम इसको लगाते हैं। आप इसके बाद जरूरी नहीं कि पील ऑफ मास्क लगाएं, आप इसके बाद वो भी कर सकते हैं फेस पैक लगाएं एंड देन कंप्लीट करें, बट मैं लगा रही हूँ तो इसको मैंने ले लिया है। टाइट करके
बहुत इजीली निकल जाना चाहिए और निकल भी जाता है, बट ये एक्चुअली ड्राई नहीं हुआ है इस वजह से ये इतनी प्रॉब्लम कर रहा है। जो बात है मतलब प्रॉब्लम तो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, गलती हमारी है प्रोडक्ट की नहीं, मतलब हमने इसको अच्छे से ड्राई नहीं किया है। देखिए जो है सर ड्राई है वो बहुत इजीली निकल रहा है, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है इसलिए क्योंकि मतलब चारकोल वगैरह वाला आता है वो बड़ा दर्द वगैरह होता है, बट ये इसमें कुछ दर्द नहीं हो रहा, ये बहुत सॉफ्टली जेंटली निकल जा रहा है इस तरीके से। अगर ड्राई होगा तो बहुत इजीली निकलेगा, अगर ड्राई नहीं है तभी प्रॉब्लम होगी। बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, ऐसे ऐसे आप कर लो ये तो ऐसे ही निकल जाता। तो मैंने पील ऑफ कर लिया अच्छे से, अब हम लगाएंगे मास्क, सॉरी फेस पैक, ठीक है। तो ये मेरा हिमालय का प्योरीफाई नीम फेस पैक है, नॉर्मल टू ऑयल स्किन। एक्चुअली मेरी बहुत ही ज़्यादा सुपर डुपर सेंसिटिव स्किन है, तो हम लगाते हैं अपना फेस मास्क। एक्चुअली मैंने नीम वाला फेस मास्क इसलिए मैंने सोचा कि लगाओ, और भी बहुत सारे आप चंदन वाला बहुत टाइप के आते हैं, आप कोई सा भी लगा सकते हो। बट क्या अगर आपके फेस पे स्किन प्रॉब्लम है किसी भी तरीके का, एक्ने वगैरह किसी तरीके का कुछ भी है ना, तो वो अच्छा है, आप जितने भी बैक्टीरिया वगैरह है उन्हें क्लीन कर देगा और अच्छा है फेस के लिए। थोड़ा सा नीम मुझे लगा कि मुझे यही करना चाहिए और बताना भी चाहिए, क्योंकि जिसकी भी प्रॉब्लम वगैरह है फेस पे किसी भी तरीके का, वो अगर आप नीम फेस पैक ऑलवेज लगाएंगे ना बहुत इफेक्टिव है। इसका पाउडर आता है, आप पाउडर को भी उसमें थोड़ा सा गुलाब जल या कुछ भी मिला के और आप फेस पे लगाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। उसमें चंदन का हर आयुर में भी आता है, मतलब आयुर ब्रांड में भी है, हिमालय में भी है, एवरयूथ में भी है, एंड बहुत ज़्यादा प्राइजी नहीं होते हैं, 20, 25, 18, 10 सबका अलग अलग प्राइस है, आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें फेस पैक उतार लिया है, एंड आप देख सकते हैं कि कैसा हो गया है मेरा फेस, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो आपको फेस में ज़रूर नज़र आ रहा होगा। तो फिर ठीक है, अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि करना क्या है, मतलब आप इतना कर लो उसके बाद आप लगाना है लिप बम। और अब बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक आपको बात बताया था, फेशियल ऑलवेज रात को ही करें तो बेहतर है। मतलब आप सोचेंगे कि मतलब टाइम नहीं है या जो भी है, बट ना आप दिन में ना कोशिश करें इस तरीके की कोई भी स्किन पर चीज़ें ना करें। पार्लर वगैरह भी हम जाते हैं और चीज़ें करते हैं, उससे बेस्ट है कि हम घर पे ही ये कर लें। और उसके बाद हमें लगाना है लिप पे लिप बाम, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इससे पहले हम चाहें तो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं, तो हमें मॉइस्चराइज़र भी लगाना है। बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, हमने क्या किया कि हमने जो गर्म पानी से अपना फेस जो धोया था उसकी वजह से जो हमारे पोर्स वगैरह वो खुल गए हैं, एंड हमने उसके डीप मतलब एकदम सफाई वगैरह डीप क्लिनजिंग वगैरह हमने उसके अच्छे से कर दी है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने अच्छे से सफाई वगैरह कर दी तो उसको हमें फिर क्लोज़ भी करना होता है। तो आप क्लोज़ करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं ठंडा पानी, हाँ मतलब आप ठंडा पानी या आइस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो आप ठंडा पानी वगैरह लगा अपने फेस पे, उससे एकदम ऐसे ऐसे करके ताल में लेके ठंडा पानी, और इस तरीके से आपको फेस पे रख के या तो फेस एकदम पानी से ठंडे पानी से धो लीजिए या तो बर्फ़ लगा लीजिए फेस पे, तो भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपको जो पोर्स वगैरह उसको हमें बंद भी करने होते हैं। तो मैंने टोनर लगाया है जो मैं बता रही हूँ, टोनर लगाया, बट आपको ज़रूरत नहीं कि आप टोनर लगाओ, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है टोनर लगाने की, मैंने लगाया है। बट आप चाहो तो कोल्ड वाटर या आइस क्यूब वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठंडा पानी और बर्फ़ वगैरह, उससे भी वही काम होगा, आपके जो पोर्स हैं वो बंद हो जाएंगे। और उसके बाद हम उसके बाद पोर्स को लॉक करने के बाद हम अपने स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ करेंगे। तो उसके लिए हम कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम ले लेंगे, जो भी हम यूज़ करते हों डेली के लिए, कोई सा भी, मैं पोन्स का ले रही हूँ,
और आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो ये मॉइस्चराइजर क्रीम लेके हमें अच्छे से फेस पे इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, अपनी मॉइस्चराइजर क्रीम को तब तक लगाना जब तक ये ड्राई ना हो जाए थोड़ा सा फेस पे। फेशियल आपने देख ही लिया है कि कैसे करना, और आप करिएगा और आपको डेफिनेटली अपने फेस पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा। मतलब प्रॉमिस कर रही हूँ, बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा, आप करके देखिएगा। और फिर ठीक है, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।